और इसमें क्या होता है कि लक्षण में चेहरा रोगियों का सूखा हुआ होता है और लगातार लोग बीमार रहते हैं, वजन कम होने लगता है और वजन बढ़ता नहीं है। और लास्टली क्या लक्षण देखने को लगातार मिलता है कि रक्ताल्पता हो जाती, खून की कमी जिसको कहा जाता है, एनीमिया जिसको कहा जाता है, तो खून की कमी हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी है जिससे ये दिक्कत लगातार बनी हुई है, साल्व नहीं हो रही है। तो इसके लिए कुछ जांचें होती हैं, वो परीक्षण होते हैं जिसको कहते हैं सीबीसी। सीबीसी क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सारे देखे जाते हैं कि उसमें क्या उसकी संख्या है, एक निश्चित संख्या है, वो सब पूरा देखा जाता है। दूसरा, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन को देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन कैसी है, किस तरह की है। उसके बाद में म्यूटेशन एनालिसिस टेस्ट होता है कि म्यूटेशन तो नहीं है, MAT, म्यूटेशन एनालिसिस टेस्ट। तो इन टेस्ट से पता चलता है कि किसी को ऐसा तो नहीं कि थैलेसीमिया बीमारी है, बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलती है उसके बारे में आप बहुत ध्यान दीजिएगा, तभी समझ पाएंगे। तो इसके जो प्रकार हैं वो माइनर और मेजर। माइनर का मतलब, अगर माइनर का मतलब छोटा वाला, तो मेजर का मतलब बड़ा। तो ऐसी बीमारी जब बहुत छोटे रूप में दिखाई दे तो उसको माइनर कहेंगे, माइनर थैलेसीमिया। और अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा असर करे तो उसको कहेंगे मेजर थैलेसीमिया। और खास तौर से इसके प्रकार जो बताए जाते हैं, अल्फा और बीटा प्रकार, तो इनको अगर हम डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हमको बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिए कि अगर अल्फा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होती है, दो उसमें श्रृंखलाएं होते हैं हीमोग्लोबिन की, तो अल्फा चेन को जो बनाने वाला जीन है, जो DNA है, अगर उसमें खराबी आती है तो उसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। चार तरह के जीन होते हैं, चार जीन होते हैं, तो चार जीन होते हैं इसका मतलब दो माता से प्राप्त होते हैं और दो पिता से प्राप्त होते हैं। तो चार जीन होते हैं, अगर किसी एक जीन में कमी है तो उससे होता है थैलेसीमिया मिनिमा, बहुत मामूली असर पड़ता है, कोई खास असर नहीं पड़ता, तो मिनिमा मिनिमम असर पड़ता है। दूसरा, अगर दो जीन अल्फा प्रभावित हैं तो उसको कहेंगे अल्फा माइनर, और अगर तीन है तो हीमोग्लोबिन H डिजीज कहा जाता है इसको, और अगर चारों प्रभावित है तो ऐसे में फिटेलिस की पोजीशन आती है, बाल्ट हीमोग्लोबिन बनती है। तो इसको कहते हैं सबसे घातक के अल्फा 4 जीन वाला हो जाता है। अगर चारों जीन इफेक्टेड हैं तो मेजर प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया घातक हो जाती है। इसके अलावा बीटा थैलेसीमिया क्या है कि अगर बीटा चेन वाला जीन में म्यूटेशन हुआ है, उसमें अगर माता पिता से ऐसा चेन अगर प्राप्त हुआ है बीटा, जिसमें दो जीन हैं, एक माता से प्राप्त होगा एक पिता से, अगर एक जीन में असर है तो उसको कहेंगे बीटा माइनर, बीटा माइनर कहेंगे उसको, माइनर असर पड़ेगा। और अगर दोनों चेन प्रभावित है तो बीटा मेजर या घातक या कूले एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें बीटा चेन नहीं बनती पूरी तरह से। ऐसे में क्या होता है कि बहुत घातक तौर पर असर पड़ता है, और ऐसे रोगियों में 12 से 15 साल तक ही आमतौर पे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है, और बहुत से लोग ठीक से इलाज नहीं करा पाते, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, आप खून की लोगों को ज़रूरत होती है लेकिन खून नहीं मिल पाता है। लेकिन जो लोग इलाज कराते हैं उनकी आयु ऐसे बच्चों की 25 साल तक हो सकती है, या अधिक भी जीवित रहते हैं। तो ऐसे में हमको ये सोचना होगा कि रक्तदान करना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। WHO के मुताबिक 7 से 10 हज़ार बच्चे प्रतिवर्ष अपने देश में जन्म लेते हैं जिनको थैलेसीमिया बीमारी है, और लगभग 10 लाख ऐसे ग्रसित है गंभीर रूप से थैलेसीमिया के, जिनको रक्तदान की आवश्यकता है। खास तौर से 10 लाख है, पाकिस्तान में 1 लाख है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, 1 लाख है, लेकिन इंग्लैंड में बहुत कम है, केवल मात्र 360 के करीब में। तो
तो इसके मतलब कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के रोगी हैं, अपना देश थैलेसीमिया रोगी में नंबर वन है पूरी दुनिया में, तो बहुत ही गंभीर परेशानी है यहाँ पर लोगों के लिए। तो ऐसे में हम लोगों का कहीं ना कहीं नैतिक कर्तव्य बनता है, अगर हम लोग अपने को देशभक्त समझते हैं, समाज से सरोकार अपना है, लोगों पर दया करना चाहते हैं तो रक्तदान करना चाहिए, अगर स्वस्थ है तो हर युवा को रक्तदान करना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को रक्त की कमी पूरी हो जाए, लोगों का जीवन बचा रहे। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी ज़रूरत होती है, और यहाँ पर तो बहुत ज़रूरत है, निश्चित समय पर रक्तदान अगर लोगों ने किया है तो रक्त इनको ज़रूरत पड़ती है, रक्त देना पड़ता है। तो ऐसे में रक्तदान कहा गया है महादान, रक्तदान महादान बहुत अच्छा मौका है, रक्तदान लोगों को करना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार वास्तव में कोई नहीं है, कोई खास उपचार इसका नहीं है, क्योंकि अनुवांशिक बीमारी, अनुवांशिक बीमारियों का कोई खास इलाज नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का अगर हम पालन करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो विवाह से पहले लड़का और लड़की की जांच होनी चाहिए, जिनकी शादी होनी है लड़के और लड़के की अनुवांशिक जांच अगर होगी, अगर किसी में अगर कोई बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है या आरएच फैक्टर की प्रॉब्लम है, आरएच फैक्टर, तो इनकी जांच होनी चाहिए, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जैसे हेपेटाइटिस या एड्स, तो ऐसी बीमारियों की जांच पहले ही शादी से पहले अगर हो जाए तो पता चल जाएगा कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी को अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, अगर है तो शादी से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। तो इस तरह की जानकारी होनी चाहिए, इसको कहेंगे स्वास्थ्य कुंडली। स्वास्थ्य कुंडली में मतलब ऐसी जानकारियाँ होनी चाहिए जिसमें ये पता हो कि किसी को अनुवांशिक बीमारी तो नहीं या कोई घातक फैलने वाली बीमारी तो नहीं है, तो इस तरह से इससे हम बच सकते हैं अगर ऐसा पालन कर सकें। तो विदेशों में होता है इसलिए वहाँ पे संख्या कम है, यहाँ पर लोग नहीं जागरूक हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीज हैं। दूसरी चीज़ है समगोत्रीय विवाह से बचें। अब समगोत्रीय विवाह पर बहुत पहले से अपने देश में, अपने सनातन धर्म में जो है, पहले से ही हमारे पूर्वजों को ये अंदाज़ा था कि अगर एक ही पूर्वजों कि संतानों में विवाह होगा तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, तो ऐसे में लोगों ने पहले ही बहुत पहले सोच लिया था कि समगोत्रीय विवाह कहीं ना कहीं गलत हैं, एक ही परिवार से संबंधित जो लोग हैं, एक ही पूर्वज की जो संतानें हैं, उनमें विवाह होने पर बहुत दिक्कतें आती हैं, तो समगोत्रीय विवाह पर इसीलिए बहुत पहले से प्रतिबंध है। लोग शादी करने जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं कौन सा गोत्र है, कैसा है, उस हिसाब से शादी आमतौर पर लोगों की होती है, और यही विज्ञान भी कहता है, विज्ञान भी कहता है कि समगोत्रीय विवाह से बचें। क्यों? क्योंकि बहुत सी अनुवांशिक बीमारियां ऐसी होती हैं जो समगोत्रीय विवाह से अगर हम बच जाए तो इन बीमारियों से भी बच सकते हैं, उनको जरा समझिए, जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया और थैलेसीमिया हो गए, इस तरह से बहुत सी बीमारियाँ हैं जो अप्रभावी जीन द्वारा होती हैं। अब अप्रभावी जीन आप लोगों को मेंडल के नियम में हम बता चुके हैं, अप्रभावी लक्षण क्या है कि लंबे और बौने पौधे में संक्रमण कराया गया तो लंबे बौने का दोनों का जीन था पहली पीढ़ी में, लेकिन लंबेपन का लक्षण प्रभावी हुआ, बौने वाला नहीं प्रभावी हुआ, तो ये भी अप्रभावी लक्षण है। बौनापन जैसे अप्रभावी था वैसे ये भी अप्रभावी लक्षण होते हैं, ज़्यादातर जो अनुवांशिक बीमारियाँ हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं। ऐसे में ये केवल समयुग्मजी अवस्था में दिखाई देते हैं, समयुग्मजी अवस्था में ये दिखाई देते हैं। अब समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या है? समयुग्मजी का मतलब अगर माता और पिता दोनों में अगर इसका जीन है, इसमें भी है इसमें भी है, तभी ये लक्षण दिखाई देगा, अगर किसी एक में नहीं है तो एक जो थैलेसीमिया होगा वो मेजर पोजीशन पे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया अगर होगा भी तो माइनर वाला होगा, तो इससे हम लोग बच सकते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर मेजर वाला हो गया तो ऐसे में क्या होगा समयुग्मजी अवस्था में कि दोनों में है, इसमें भी माता में और पिता में दोनों में है, तो इससे जो
बच्चे होंगे उसमें दोनों में जीन जाएगा, एक माता से भी प्राप्त हो जाएगा, एक पिता से भी प्राप्त हो जाएगा। जब दोनों में थैलेसीमिया दोनों से प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे बच्चों में दो जीन्स होंगे, एक माता वाला एक पिता वाला, तो ऐसे में होगा घातक बीटा, ये वाला हो जाएगा, घातक है, खतरनाक है, मरने वाला है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। तो घातक थैलेसीमिया से बचना है अगर तो समगोत्री विवाह से बचें, अगर वर्णांधता से बचना है, अगर हीमोफीलिया से बचना है तो कहीं ना कहीं और अनुवांशिक बीमारियों से बचना है तो हमको समगोत्री विवाह से बचना ही होगा। तो ये एक उपाय हो गया कि इससे बच सकते हैं। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आरबीसी बोन मैरो में बनती है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी मदद कहीं ना कहीं कुछ मामलों में मिलती है। अगला देखते हैं गर्भावस्था में जांच एवं एमटीपी। तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि गर्भावस्था में अगर जांच करा लें, अगर यहाँ पे हमको पता चल जाए, यहाँ पर समस्या ना आए तो यहाँ पर कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम पहले ही जागरूक हो जाएं तो इस स्थिति में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर गर्भावस्था में जाँच हो जाती है, पता चलता है कि बच्चा होने वाला जो है वो थैलेसीमिया मेजर से प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे में बच्चे की भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी और माता पिता के लिए भी बड़ी समस्याएं होंगी। तो ऐसे में लोग करते हैं एमटीपी। एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय गर्भावस्था का समापन। तो ऐसा क्या है कि चिकित्सक की देख रेख में जो गर्भ है उसको समाप्त कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस चीज़ को अपनाकर भी रोग से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें, जो एमटीपी है, एमटीपी भी कोई हंसी मजाक नहीं है, वास्तव में भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया है, बहुत से देशों में तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, यहाँ तक कि अगर माँ को जान का भी खतरा है तब भी वहाँ पर प्रतिबंधित है कि बच्चे का एबॉर्शन नहीं करवा सकते हैं, उसको नष्ट पहले नहीं करा सकते, बहुत बड़ा पाप माना जाएगा, तो ऐसे में वहाँ पर रोक है। लेकिन अपने देश में भी अब इस पर पूरी तरह से रोक हटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में अनचाहे गर्भ से निजात पाने का एक अच्छा उपाय माना गया है। इसके लिए कुछ दवाएँ दी जाती है, चिकित्सक की देख रेख में होता है, लेकिन वास्तव में जो सनातन संस्कृति उसमें इसको बहुत बड़ा पाप माना गया है, भ्रूण हत्या महापाप है और ऐसी नौबत ना आए ऐसा हमको करना ही चाहिए। क्यों? इसका एक बहुत ही अच्छा प्रकरण आता है महाभारत में, जिसमें जो अश्वत्थामा था उसने परीक्षित गर्भस्थ जो शिष्य थे उनको मार दिया था, ब्रह्मास्त्र मार दिया कि वो मर जरूर जाए, लेकिन आखिर में श्री कृष्ण जी ने उनको जिला दिया था, लेकिन उसका उनको इतनी बड़ी सजा दी कि उन्होंने उसकी मणि निकाल दी, कहा सारा जीवन युग युगांतर तक तुम भटकते रहोगे, तो इतना बड़ा पाप माना गया है भ्रूण हत्या। तो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई, लेकिन अपने यहाँ एमटीपी जारी है, तो ऐसे में वास्तव में भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस अवस्था में, थैलेसीमिया की अवस्था में मेडिकली बायोलॉजिकली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और थैलेसीमिया से बच सकते हैं। अगला है समय पर रक्त एवं दवा लें। अगर किसी को थैलेसीमिया है उसकी जांच कराएं सही ढंग से अच्छे चिकित्सक से, और समय पर अगर रक्त की जरूरत है तो उसको रक्त दें और दवाओं का इस्तेमाल करें, तभी व्यक्ति जीवित रह पाएगा, तभी उसका ठीक से इलाज हो पाएगा, क्योंकि अगर ठीक से इलाज नहीं होगा तो ऐसे में बहुत समस्याएँ आएंगी। और जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है, तो थैलेसीमिया से बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है, तो जागरूकता अगर होगी लोग बचेंगे इससे, सही समय पे इलाज कराएंगे, इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो इस अनुवांशिक रक्त रोग थैलेसीमिया से बच सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और आप लोग कमेंट करिए जिससे आपके सुझाव के अनुसार वीडियो हम बना सकें।